बसंतपुर के जंगल में दो हफ्ते से बारिश हो रही थी। इस बार तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरी घोंसले में पानी भरता जा रहा है और तेज हवाओं से घोंसला डगमगा रहा है। बबली मम्मी, टिल्लू पापा, चलो तुरंत ही घोंसला खाली कर देते हैं। फिर पीलू अपने माता पिता के साथ घोंसला खाली कर देती है और वैसे ही उसका घोंसला टूट जाता है। ये कैसी आफत आ गई है हमारे ऊपर, इतनी तेज बारिश में मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कहाँ कहाँ भटकूंगी, काश कोई मेरी मदद कर दे। तभी पीलू चिड़िया को एक पेड़ के पास एक बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है और वो अपने माँ बाप के साथ उस गुलाब की तरफ जाती है। बेटी चल, उस गुलाब के नीचे हम रुक जाते हैं, इस बारिश में कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन जब वो लोग गुलाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उसमें दरवाजा दिखाई देता है। वो लोग जल्दी से उस दरवाजे से घर के अंदर चले जाते हैं। माँ, इस घर में तो घर का सारा सामान है, लगता है इसमें पहले से कोई रह रहा है। तो बबली कहती है, अब क्या करें बेटी, हम अब बाहर नहीं जा सकते इतनी बारिश में। तो पीलू बोलती है, माँ आप दोनों अब आराम लो, यहाँ जो थोड़ा बहुत खाने के लिए है उसको खा लेते हैं, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर पीलू अपने माता पिता को खाने के लिए कुछ दे देती है, फिर वो तीनों सोने के लिए लेट जाते हैं। मैं जागती हूँ, नहीं तो मेरे माता पिता को कोई जानवर इस बारिश में नुकसान ना पहुँचा दे। थोड़ी देर में पीलू को उस गुलाब के घर के बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे ये क्या, कौन है मेरे घर में, जिसने अंदर दरवाजा बंद कर रखा है, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, कौन है अंदर। ये आवाज सुनकर पीलू दरवाजा खोलती है और घर के बाहर आती है। ए, तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। तो पीलू बोलती है, पर आप है कौन, मैं जब घर में आई तो यहाँ कोई नहीं था। तो कालू कहता है, मैं कल से खाना लेने के लिए गया था, आज लौट पाया हूँ, तुम मेरे घर से बाहर जाओ। तो पीलू बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बूढ़े माँ बाप है, मैं उन्हें लेकर बाहर इतनी बारिश में कैसे जाऊंगी। कालू घर के अंदर आता है और पीलू की माँ बाप की हालत देखता है, उसे उन पर दया आ जाती है। तो कालू कहता है, अरे इनकी हालत तो बहुत खराब है, पीलू जी मैं आप लोगों को अब घर से नहीं निकाल सकता हूँ। तो बबली कहती है, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, जैसे ही बारिश रुकेगी वैसे ही हम वापस चले जाएंगे। कालू ऐसे ही पीलू और उसके माँ बाप का ख्याल रखता है। थोड़े दिनों में कालू और पीलू एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एक दिन बारिश रुक जाती है और पीलू और उसके माता पिता वापस जाने के बारे में प्रस्ताव करते हैं। कालू जी, आपने हम सबका बहुत ख्याल रखा है, हम इसके लिए आपके एहसान मंद रहेंगे। तो कालू कहता है, इसमें एहसान किस बात का, आप सब इतनी मुसीबत में थे, मैं आपके काम आ सका यही बहुत बड़ी बात है। तो बबली कहती है, बेटा तुम बुरा ना मानो तो हम एक बात कहेंगे, हमारी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है और तुम बहुत ही नेक लगे हो, इसलिए क्या हम पीलू के रिश्ते के लिए तुम्हारे माता पिता से बात कर सकते हैं। तो कालू कहता है, जी वो हाँ 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 जी कर सकते हैं। ये सुनकर पीलू शर्मा जाती है और कुछ ही दिनों में कालू और पीलू की शादी हो जाती है। पीलू आज वैलेंटाइंस डे है और गुलाब के इस घर में आज के दिन ही तुम्हारा गृह प्रवेश हो रहा है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तो पीलू कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत बात है कालू जी, आपको भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। फिर पीलू अपने पति कालू और ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम,
आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये, इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में, और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी जिससे गाड़ियां पंक्चर हो जाती थी, और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है, तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है, और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है, तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सिर्फ दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी, टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है, और सुंदरी के पास तो गहने भी है, तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का, और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी पंक्चर की थी, डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुरा कर भाग जाते हैं। हाय हम लूट गए, बर्बाद हो गए, सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई, अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है, तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे, और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियां काट के
उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है क्यों परेशान हो रही हो, अभी दो घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। दो घर बनाना है या 20, तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है, आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है, तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा, तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो, लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो, कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है, मेरी एक खानदानी परंपरा है, मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है, उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काट कर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और दो हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं, मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले, इतना बढ़िया घर वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी पीलू का कहना सही है, आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ, मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा, तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा, मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए, आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे।